साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे पावन चरणां च मिठी प्यारी निघी गोद विच बैठे सत्संगी जन और दूर दराडे विदेशां च बैठे टीवी माध्यम राही इस पावन स्थान नाल जुड़े मां गुजरी जी और साहिबजादे दे चरणां नाल सुरत करके जुड़े हर गुरसिख नूं फतेह प्रवान होवे जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। तुहाडी ये प्यार भरी फतेह जो तुसी जवाब दिता, तुसी इत्थे बैठिया ने जवाब दिता, तो मेरा पूर्ण भरोसा है कि जो विदेशां च बैठे घरां च बैठे गुरसिखां ने भी जवाब दिता और ये फतेह का जवाब इन खंडा ब्रह्मंडा च पहुंचया है, उस दातार तक उस मालक तक पहुंच गया, मेरे दशमेश पिता तक पहुंच गया। वो देख रहे ने कि मेरे गुरसिख किवें मेरे लालां की कुरबानी नूं याद रख रहे ने, असीसां दे रहे ने। ये जो सामने कमरा है जिस विच मां गुजरी जी और साहिबजादिया ने एक रात गुजारी है, इंज लगता इस कमरे चो मां जी साढ़े वल देख रहे ने, साहिबजादे असीसां दे रहे ने। तुहाडा प्यार देख के इतनी वड्डी गिणती विच तुहाडा आउणा देख के जरूर सतगुरु एक बार फिर माता सुंदरी जी नूं कहिंदे होणगे, देखिया तैनूं क्या सन कि जीवित कई हैगा, तू कहिंदी सी मेरे चार किथे देख लै, हजारां धरती ते बैठे जिथे जिथे सिख बैठा, हर देश विच तेरे लालां नाल जुड़िया, तेरा पुत्र बनिया है, कर लै माण इन्हां ते जिन्ना मर्जी। बहुत ही सत्कार जो सिंह साहब ज्ञानी हरपाल सिंह जी, आप जी बड़े ही जज्बातों नाल थोड़े जे समय लई पावन इतिहास नाल जोड़ के गए ने। सोनू जी मैनूं छोटा वड्डा नाम आउंदा नहीं, असल विच सोनू करके मशहूर ने। कमलजीत सिंह जी सोनू जिहड़ा छोटा नाम छेती फड़िया जांदा, उन्हां दी मेहनत उन्हां दे सारे साथियों की और सिंह साहब की ये सोच जिसनूं ये बोर पैंदा दिखाई दे रहा है, गुरु सेवा लै रहे ने इन्हां तों, बस मेहर भरिया हथ रखो, सतगुरु कृपा करन आप गुरसिख पूरी सिख कौम थोड़ा जा भरोसा रखियो। असी सचमुच हिरदे तो गुरु की गल करते हैं और इन चार दिन च मैनू पता ना सिंह साहब नूं ना मैनू कोई स्वार्थ नहीं, जरा जन्ना सिर्फ एको ही है कि एक कौम जो बड़ी अमीर हो गई है, बड़ी सियाणी हो गई है, बड़ी मॉडर्न हो गई है, कितने साहबजादियां नूं भुल ना जाए, साडे बच्चों ये विरसा मिले, उस विरसे संभालण का यतन जो इन्हां वीरां ने रल के किया। तुहाडा प्यार और सहयोग दसदा है कि तुसी इन्हां दी सेवा नूं प्रवान कर लिया। आओ जी, मैनूं अज सिंह साहब दे घरों सत्कारयोग भैन जी होरां ने हुक्म किया कि अज दो शब्द सुनायो। मैं क्या समा मेरे को घट हुंदा, कहिंदे समा तुहानूं खुल्ला ही, तो मेरा ख्याल जे भैन जी होरां ने कह दिता तो सिंह साहब मैनूं एक घंटा दे के गए ने, इन्हां दा क्या बहुत अर्थ नहीं रखदा, मैं समा वध लगा सकदा जी, नहीं तो भैन जी होरां नूं दसांगा कुट पएगी। तो फिर भी मैं कोशिश करांगा, समय विच रहांगा। पहले शब्द दीन दयाल भरोसे तेरे सब परिवार चढ़ाया बेड़े, असी आस करते हैं अपने कलगीधर पिता तो सतगुरु जी
साडी अरदास है ये जो तेरे साहबजादों के चरणों नाल जुड़े ने उन्होंने हमेशा चरणों नाल जोड़ के रखना इस पंथ के पूरे बेड़े में तुसी पार करना जिन्निया तुसी सेवावां चाहुंदे हो उस पंथ को लैनिया ये पंथ तुहाडा है इसकी कोई होर वरतों ना करे तुसी वरतों करो इसकी क्योंकि होर वरतों वाले अपने स्वार्थ लई वरत जांदे ने तुसी सानू बिना किसी स्वार्थों संसार की सेवा लई बनाया सी तुहाडी कृपा होवे असीं तुहाडे काम आ सकीए ये सारा पंथ जिस कार्य लई तुसी बनाया उस तों तुसी काम लै सको सो आप जी ने मेरे नाल गाउणा है दीन दयाल पड़ोसे ते दीन दयाल पड़ोसे ते दीन दयाल पड़ोसे ते दीन दयाल परोसे सब परवार चढ़ाया तेरे सब परवार चढ़ाया तेरे दीन दयाल परोसे राम जपों जी ऐसे ऐसे तू पहला जपो हार जैसे राम जपों जी ऐसे ऐसे तू पहला जपो हार जैसे तू पहला जपो हार जैसे तू पहला जपो हार जैसे चूक गई
चार पाद सब एको धानी दीन दयाल परोसे तेरे दीन दयाल परोसे तेरे सब परवार चराया परवार चराया भेड़े दीन दयाल परोसे तेरे दीन दयाल परोसे तेरे दीन दयाल परोसे शब्द मैं गाउण लगा जी मित्र प्यारे हाल मरीदा का कहना क्योंकि मैं जिवें सिंह साहब जी ने दसिया कि देशों विदेशों में बैठे गुरसिख हर गुरसिख जो अपने टीवी के सामने बैठा जां मोबाइल के सामने इस कीर्तन दरबार नाल जुड़िया तो मैं एक बेनती करनी चाहना बहुत सारे लोग विद्वान भी इंज मानते हैं कि यह शब्द गुरु साहब जी का नहीं मैं उन्होंने एक बेनती करनी चाहता शब्द किसका है किसका नहीं ये तो वो जानते हैं सानू तो भरोसा कि गुरु साहब जी का पर यह शब्द सानू याद की दिलाता है सानू लैके कित्थे जाता है इस गल वल तुसी ध्यान देना जे तुसी नहीं मानते इंज ही मान लो किसी गुरसिख की किरत है भाई गुरदास जी की किरत भी मानते ही हो भाई नंद लाल जी की भी मानते हो पर मेरी उन्होंने बेनती है इस गल करके कोई भी दुविधा ना मन में रखो क्योंकि अक्सर ना कई बार ये शब्द गाने लगते जो वाद विवाद करते हैं जे ना गाओ तो भी माड़ी गल तो गाओ तो भी तो मैं एक बेनती करांगा अज जे जे कोई दोष हो जे कोई पाप हो तो मेरी चोली में पा दियो इस शब्द में तुसी सानू गा लैन दियो हर एक प्रचारक हर एक रागी सिंह शब्द गा लैन दियो सानू रोकया ना करो सानू टोकया ना करो जरा कोई मनता कि साडी भावना है कि गुरु साहब क्योंकि असी शब्दों पिछे नहीं शब्दों के पिछे जो है असं वो देखते हैं जी गहराई इस शब्द में और जो सानू नज़र आता माछी बड़ा साडा साहिब अपने मालक नाल गल्लां करदा सी वो देखते हैं तो यह शब्द मैं उन्होंने बेनती करांगा तुसी जिथे भी हो मेरे नाल गाओ इस शब्द सारे जाने मित्र प्यारे नू हाल मरीदां दा कहना मैनू सिंह साहिब वालों हुक्म होया कि मैं आप संगत को बेनती कर दिया कि जिथे भी तुसी है उत्थे बैठ जाओ हुण तुहाडा आया सफल है तुहाडा मत्था टेकिया प्रवान जिथे जगह मिलदी वहम ना करो कि असी गुरु साहब नूं मत्था नहीं टेकिया ते असी शायद जिथे जिथे खड़े हो उत्थे उत्थे बैठ जाओ जगह की कमी है जगह की नहीं कमी संगत बहुत ज्यादा आ गई तो आप जी बैठ जाओ थोड़ी जी शांति रखो हुण क्योंकि शब्द बहुत प्यारा है गुरु साहब जी की याद दिलाऊंगा हाल मुरीदां दा कहना मित्र प्यारे हाल मुरीदां दा कहना मित्र मित्र प्यारे
जिहड़ी परमात्मा की भाषा है वह प्रेम ही है जी। वो साड़ी बहुती अंग्रेजी बहुती पंजाबी जां बहुती हिंदी नूं नहीं जानदा, जानदा तां है इहदी नहीं परवाह करदा। इत्थे तक कि बाणी ते आखदी राम राम करता सब जग फिरे, राम ना पै जाए राम राम भी कही जो तां वी नहीं मनदा। मनदा किवें है? प्यार दी भाषा नाल। रोज पढ़ते हैं ना कि भाषा पाख्या भाव अपार, तो जिस शब्द को असीं प्यार नाल पढ़ांगे तो साडी हूक उहदे दर ते नहीं जाएगी। गल तो प्रेम की है, शब्दों की गल बाद विच है, पहले प्रेम की। जिन अंतर हर हर प्रीत है ते जन सुगड़ सियाने राम राजे, जे बारों भुल चुक बोल दे ही खरे। जे बारों भुल चुक भी बोली जो प्रेम ना कहा गया तो रब कहता तू मरा मरा करी जा मरते राम राम बना ला गया। तो ये शब्द जब प्यार नाल गाउंदे आ मैनूं तां विच लफ्ज नहीं लगदे, मैनूं तां साहिब दे दर्शन हुंदे ने कलगियां वाले दे। बस यही करना है आपां, आपां दर्शन करने आ। शब्द भी सानूं परमात्मा दे दर्शन ही करांदा ना, ते जे साडा ध्यान दर्शना च ना होवे शब्द विच ना होवे फिर पढ़ी जाओ फिर ते कोई नहीं। पढ़ पढ़ गड्डी लंघदी है, पढ़ पढ़ पढ़ीए साथ। जे जिन्होंने इस शब्द को मान लिया जो प्रेम नाल नहीं पढ़ते तो अवस्था उन्हों की भी नहीं बदलनी, तो जिन्होंने नहीं मनिया तो अवस्था उन्हों की भी एक बहुत वधिया नहीं। सो जिहड़ी गल मुकनी है वह सिर्फ ढाई अखरां ते मुकनी प्रेम ते। इस करके जिवें आप जी बड़े प्यार नाल दास तों इतिहास के गीत सरवण करते हो, तुहाडी अखां चों बैराग डुल डुल पैंदा, यही तो प्रवान है परमात्मा। यह साडे जन्मां जन्मां दे पाप धोंदे ने, साडे अथरू थोड़ा है, ये वाशिंग पाउडर है साडा, साडे पाप धोण वाला यह पाउडर है। गुरु कृपा करे जी, अज गंगू ने साहबजादे नूं फड़ा दिता, बेदोश नमाणिया जिंदा नूं गंगू तो फड़ा के की लैना। यह गीत आप जी सरवण करो, कुदरत इसनों लांता पाउंदी रही पर यह स्टीट ने पाप करके छड्डिया। बेदोश नमाणिया जिंदा बेदोश नमाणिया जिंदा गंगू पड़ा की लैना, बेदोश नमाणिया जिंदा गोदी नू तू बुढ़ी मा।
जाना तू हार जाना इना जित जाना छड़ तू अजमाके की लेना बेदोष निभानिया जिंदा गंगू फड़ाके की लेना ਸਫਰੀ ਜੀ ਦਾ ਗੀਤ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਰਿੰਦਰ ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗਾਇਆ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੋਹਣ ਵਾਲਾ ਗੀਤ ਨੀਲਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਰ ਜਾਣੇ ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰ ਅੱਜ ਚੱਲਦਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ 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 ਜਾਣ ਪੱਥਰ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਬੁੱਕ 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 ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਚੁਣਿਆ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਫਰੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ ਵਾਲ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲਿਖਾਰੀ ਸਨ ਦੋ ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਿੰਦਾਂ ਚੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਖਿਆਲ ਉਡਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਨੀਲਾ ਘੋੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਲਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨੀਲਾ ਘੋੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹਵਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਨੀਲਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਰ ਜਾਣੇ ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰ ਅੱਜ ਚੱਲਦਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਕ 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 ਅੱਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅੱਥਰੂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁੱਕ 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 ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟਾਲਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਆਖਾ ਪੰਥ ਦਾ ਅਟਲ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੰਥ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੀਲੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਟਾਲਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਆਖਾ ਪੰਥ ਦਾ ਅਟਲ ਸੀ ਨੀਲੇ ਦਾ ਸਵਾਰ ਪਿਆ ਗੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲ ਸੀ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਨੀਲਾ ਗਿਆ ਖਲ ਸੀ ਨੀਲਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਪਿਆ ਚੁੱਕ 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 ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ
बदलों चो बिजली चमके है सीमार दी सुमा वाल निगाह हाए गई जांदा तार दी बिजली चमकी तो सतगुरां ने नीले दे पैरां वाल देखिया सुमा वाल की देखदे ने लहू विच भिजी हुई लोच सी जुजार दी चंद बदलों च रोया जे लुक 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 ये की हो गया तो सतगुर नीले ने भी कहेंगे नीलिया इस थान की पूर मेरा पख दे बहुत ख्याल उदारी उच्ची मारी सफरी साहब ने नीलिया इस थान की पूर मेरा पख दे तू मेरे वर्गे गल कर मोती क्यों लगाई जाना बार बार आख दे पैर मेरे पुत्र की लोथ उत्ते रख दे तू अपना पैर रोकया क्यों रख दे तू लगना असं अगे जाना प्यार मेरे पुत्र दी लोथ होते रख दे करा पंथ का निशान उच्चा चुक 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 सतगुरु की रीज यह है कि मेरे पंथ का निशान उच्चा हो मेरे पुत जाते तो जान दे सफरी जंजीर मोह माया वाले तोड़ दे हक का प्यार नहीं शहीद कदे लोड़ दे चित राम नाम की प्रीत वाल जोड़ दे अज जुलम की कहानी गई है मुक 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 ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸੁਣਿਆ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਗੀਤ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਗੀਤ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਬਚਪਨ 'ਚ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਸ ਨੀਲੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ जाने कुल संसार अज चलदा मैदान विच रुक 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 जान अथरू अखां दे जाने कुल संसार अज चलदा मैदान विच रुक 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 जान अथरू अखां दे बुक 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 ए की हो गया ए की हो गया ए की हो गया ए की हो आखा पंथ दा अटल सी नीले दा सवार पिया गड़ी विचों चल सी जरा तू अगां जाके नीला गया खल सी जरा तू अगां जाके नीला गया खल सी करे किसे नू सलाम पे चुक 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 एक ही हो गया एक ही हो गया एक ही हो गया एक ही हो गया बदला चो बिजली चमके है सिमार दी सुमा वाल निगाह गई जान तार दी लहू विच भिजी होई लोच सी जुझार दी लहू विच भिजी होई लोच सी जुझार दी चंद बदला च रोया अज लुक 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 एक ही हो गया एक ही हो एक ही हो गया एक ही हो गया नीले आंख इस थावी
ਤੇਰਾ ਪੱਖ ਦੇ ਨੀਲਿਆ ਤੂੰ ਇਸ ਸਾਵੀ ਪੂਰ ਮੇਰਾ ਪੱਖ ਦੇ ਮੋਤੀ ਕਿਉਂ ਲੁਟਾਈ ਜਾਣਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੋਤੀ ਕਿਉਂ ਲੁਟਾਈ ਜਾਣਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਰੱਖ ਦੇ ਪੈਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇ ਓਏ ਪੈਰ ਮੇਰੇ ਲਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦੇ ਕਰਾਂ ਪੰਥ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਇਹ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰੁਕ ਰੁਕ ਜਾਣ ਅੱਥਰੂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁੱਕ 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 ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਫਰੀ ਜੰਜੀਰ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਤੋੜ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਦੇ ਲੋੜ ਦੇ ਚਿੱਤ ਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵੱਲ ਜੋੜ ਦੇ ਅੱਜ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਗਈ ਏ ਮੁੱਕ 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 ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੱਕ ਦਰਦ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਔਰ ਮਾਛੀਵਾੜ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਬਸ ਕਰੋ ਬੀਬੀ ਜੀ ਬਸ ਕਰੋ ਬੀਬੀ ਜੀ ਬਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਨੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤਿੰਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਿੱਧਰ ਤਾਰਾ ਧਰੂ ਤਾਰਾ ਚਮਕਦਾ ਉੱਧਰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੋ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਹੋਣਗੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ Thank you.
सद प्रीत मां सद दाता सद प्रीत मां सद दाता सद मालका ओ बजवालिया किथे कुडेरे लाए किथे कुडेरे लाए किथे कुडेरे लाए सद प्रीत मां सद दाता सद मालका ओ बजवालिया गुजारी रात गुरु ने किथे गुजारी रात गुरु ने कोई खबर मिल जाए किथे कुडे लाए किथे कुडे लाए किथे कुडे लाए सद प्रीत मां सद दाता सद प्रीत मां सद दाता साडे मालका
सतगुर दे चरना दी मैं दूरों खुशबू आए किथे कुड़े लाए किथे कुड़े लाए किथे कुड़े लाए सद प्रीत मां सद दाते सद प्रीत मां सद दाते सद मालक ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਮਾਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਅਜਮਾ ਕੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜੁਝਾਰ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜੀਤ ਹੈ ਇਹ ਚਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਹ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ ਸਮਝੋ ਤੇ ਅਪਣਾਓ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ कुछ भी नहीं मंगया सब जो दाता है मंगता थोड़ा तो दिंदा ही है उसने सब कुछ दे दिता चाहता की है कि जीवित कई हजार ये हजारा मेरे नौजवान पुत्र जो मेरे ने मेरे अजीत ने मेरे जुझार ने जिंदे रहने तो मैं आप जी ने अजीत बन के जायो जुझार बन के जायो जे चले हो सरहद सरदार बन के जायो मैं सिंह साहब जी ने बेनती करांगा कि जिवें असी उस सह सुभाई असी कमरे च बैठे इंग्लैंड जिन्हां दे घर ठहरे बैंस परिवार बेटा टोनी बैंस उन्हां दे घर असी बैठ के सह सुभाई गीत नूं असी रिकॉर्ड किया तो मैं बेनती करांगा सिंह साहब जी नूं कि उंज ही असी इस गीत नूं पहरा दर पहरा गाउण दी कोशिश करदे हां ताकि साडा कीता होया जतन किसी ना किसी सिख दे हिरदे च वस जाए वह गुरसिख बन जाए जो बाबे नानक दे घर जन्मिया वह सचमुच बाबे नानक वर्गा रूप धारण कर ले मैं बेनती करांगा जी माइक दे आई दे दो सारी कौम विच ये होका कर कर गुंजिया सी कि कौम दे वारसो कलगीधर पिता का सुनेहा है तुहाडे वास्ते गुरु के कासद बन के गुरु के डाकीए बन के तुहाडे कोल गुरु गोबिंद सिंह जी की चिट्ठी पहुँचाई सी सुनेहा पहुँचाया सी कि सरहद नूं आउण वाले वारसो उह नीहां दे वारसो कच्ची गढ़ी दे वारसो मेरे लालां दे नाल रह के रात गुजारियो इस सुनेहे नूं प्रवान भी कीता कौम ने प्रबंधक कह रहे थे श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी समुची कि एक महीना पहला जोड़ मेल शुरू हो गया जड़ा तीन दिन इकट्ठ हुंदा सी वह एक महीना पहला पूरा भरवां इकट्ठ शुरू हो गया और जिन्नियां वहीरां खालसा पंथ ने
गुरु लाला की मुकद्दस धूड़ी परसन वास्ते कत्तियां ने, उन्हें शायद ही किसी होर पासे दी, ठीक है सारे स्थान आदर योग ने, पर रुचि बनी अंदरों धू पैंदी है सिखां दे अंदर। हुण बाबा फतेह सिंह जी वाले, बाबा जोरावर सिंह वाले रूप नज़र आते हैं, सोहनिया सोहनिया दस्तारा दुमाले नज़र आते हैं, धियां दे बच्चियां दे बच्चियां दे। उस सुनेहा प्रवान किया पंथ ने भी आओ सरहंद वाल फतेहगढ़ साहब वाल रुख करो, उत्थे रह के महसूस करो, उस दीवार कोल बह के महसूस करो कि सानू सुख किन्ने महंगे मिले ने, सानू सरदारी किस कीमत उत्ते मिली। सो हुण नाल एक होर सुनेहा आप जी तक पहुँच गया सी, इंग्लैंड असी बैठे सी, प्यार वाले बड़े प्यार वाले परिवार सन, घर बार सिख वेखो मैं हैरान हुंदा सात संगत, कल भी सहेड़ी पिंड जिस घर विच प्रशादा छकिया, सिख अपना घर बार सौंप देंदे आ, उह ते सब कुछ सौंपण वास्ते तैयार है, साडियां नीतां ठीक हो जाए और तुहाडी इस ताकत ने कौम का भविख सवारना। ये जिहड़े दुखी तिक्की अज हैगे ने ना स्वार्थां वाले, ये सब भाजना पै जाणगे, तुहाडे कदमां विच आ के डिगणगे, तुसीं वेख्यो। सुते सिद्ध उत्थे बैठ के बस सह सुभा फोन उत्ते रिकॉर्डिंग कर रहे सी, ते कौम ने तलियां दिते चुक लिया भी पहला तो क्या सी आयो ते महसूस करियो, ते हुण परपक्क हो गए हो, हुण तुसी जवान हो गए हो, हुण तुहाडी सुरत उच्ची हो गई है, हुण अजीत बन के आयो ते जुझार बन के अजीत बन के आयो जुझार बन के जायो, अजीत बन के जायो जुझार बन के जायो, जे चले हो सरबंद नू ता सरदार बन के जायो, जे चले हो सरबंद नू ता सरदार बन के जायो, अजीत बन के जायो जुझार बन के जायो, अजीत बन के जायो जुझार बन के जायो, जे चले कदी वक्त हुंदा सी जिन्हां नूं सरकारी अहुदेदारियां मिलदियां सन, सिर ते कुल्ले मिलदे सी, सरकारे दरबारी इज्जतां मिलदियां सन, उन्हां नूं कबीले दे इलाके दे कुणबे दे सरदार मन्निया जांदा सी। पर धन मेरे दशमेश पातशाह जिन्हां ने कंगालां दे सिर से ते पातशाही दा ताज रख के ते आख्या इन गरीब सिखन को दिओ पातशाही, याद करें हमरी गुरियाई, ओ सरदारी दा ताज साडे सीस उत्ते सजा दित्ता, अज रिक्शा चलाउंदा किरती सिख भी तुरिया जांदा होवे उहनूं भी आवाज मार के कोई कहिंदा सरदार जी रुक जाओ, यह सरदारी गुरु की बख्शिश है, इहनूं सांभ के मेरे लाला दा मुखड़ा लैके फिर मेरे कोल। जे अलगी तरते पुत्र हो जे साहबजादे प्यारे ने, फिर याद करो किस रूप दी खातिर चारे परवारे ने, जे अलगी तरते पुत्र हो जे साहबजादे प्यारे ने, फिर याद करो किस रूप दी खातिर चारे परवारे ने, भुल्यो ना कुर्बानी वफादार बन के जायो, भुल्यो ना कुर्बानी वफादार बन के जायो, जे चले हो सरहद नू ता सरदार बन के जायो, जे चले हो सरहद नू ता सरदार बन के जायो। साडी वफा विच फर्क ना पवे, मेरे गुरु ने कहा सी जे वफादारी विच फर्क पै गया तो फिर घर विच बैठा कुत्ता चंगा है उस बंदे नालों जिहड़ा अपने खसम की वफादारी निभाउंदा है। स्वामी को ग्रह ज्यों सदा स्वान तजत नहीं नित, नानक इह बिद हर भजो एक मन होए एक चित, गुरु कलगीधर पातशाह नाल एक मन एक चित होके मां गुजरी वेख, अज धन बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह कोठड़ी च बैठे हो वेखो, तुहाडा पंथ तुहाडे नाल कौल कर रहा है कि असी वफादार बन दा अहद लैंदे हां जी। केसा बिन जिस था जाना उस था
ਸੇਵਾ ਕਾਲਾ ਨੇ ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨੇ ਰੁਮਾਲਾ ਨੇ ਕੇਸਾ ਬਿਨ ਜਿਸ ਥਾਂ ਜਾਣਾ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਕਾਲਾ ਨੇ ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨੇ ਰੁਮਾਲਾ ਨੇ ਜੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਦਸਤਾਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾਇਓ ਜੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਦਸਤਾਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾਇਓ ਜੇ ਚੱਲੇ ਓ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾਇਓ ਜੇ ਚੱਲੇ ਓ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾਇਓ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੌਤ ਵਾਸਤੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਓ ਮੇਰੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜਿਓ ਜਾਣੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਗਲੇ ਲਗਾ ਤੋ ਲੂੰ ਇਨ ਕੇਸੋ ਮੈਂ ਕੰਘੀ ਕਰ ਦੋ ਮੂੰਹ ਦੁਲਾ ਤੋ ਲੂੰ ਇਨ ਪਿਆਰੇ ਸੇ ਸਰੋਂ ਪੇ ਨੰਨੀ ਸੀ ਕਲਗੀ ਸਜਾ ਤੋ ਲੂੰ ਆਓ ਮਰਨੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਦੁਲਹਾ ਬਣਾ ਤੋ ਉਹ ਸਰਦਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰੀ ਛਲ ਤੇ ਵਲ ਨਾਲ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਿਫਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰੀ ਚੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਤਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਸਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋ ਜੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਲਏਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਇੱਕ ਦਾਤ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਹੱਥ ਜੋੜ ਖੜੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਜੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਲਏਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਇੱਕ ਦਾਤ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਹੱਥ ਜੋੜ ਖੜੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਸ ਹੋ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾਇਓ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਸ ਹੋ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾਇਓ ਜੇ ਚੱਲੇ ਓ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾਇਓ ਜੇ ਚੱਲੇ ਓ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾਇਓ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ 25 ਦਸੰਬਰ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਿ ਕੱਲ ਲਾਲ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਟੌਫੀਆਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਫਿਰਦਾ ਕੌਮ ਦਿਓ ਵਾਰਸੋ ਪਰਤ ਆਓ ਵਾਪਸ ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਬਖਸ਼ਿੰਦਾ ਉਹ ਗਲ ਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਾਂ ਉਲਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਜੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਆਈ ਚਲੇ ਗਏ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਔਗਣ ਕੋ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦਾ ਗਲ ਛੇਤੀ ਲਾਇਕ ਅੱਜ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਗੀਤ ਮੁੱਕਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪਏ ਧੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਿਆ ਆ ਸਾਨੂੰ ਗਲ ਨਾ ਲਾ ਲੈ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਇਹ ਵੋਟ ਲੈਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੋਟ ਲੈਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਭਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਦਾਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਮੇਲਿਆਂ ਵਰਗਾ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਇਹ ਵੋਟ ਲੈਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰਾਜ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾਇਓ ਜੇ ਰਾਜ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾਇਓ ਜੇ ਚੱਲੇ ਓ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾਇਓ ਜੇ ਚੱਲੇ ਓ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾਇਓ ਅਜੀਤ ਬਣ ਕੇ ਜਾਇਓ ਜੁਝਾਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾਇਓ ਅਜੀਤ ਬਣ ਕੇ ਜਾਇਓ ਜੁਝਾਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾਇਓ ਜੇ ਚੱਲੇ ਓ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾਇਓ ਜੇ ਚੱਲੇ ਓ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾਇਓ ਜੇ ਚੱਲੇ ਓ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾਇਓ
धन कलगीधर पातशाह तेरा पंथ जाग पिया। जेडे घर च बैठे ने ना वो भी एक जकारे की गूंज पायो, बोले सोने हाल बेनती है कल ना सत श्री अकाल। पंथ दे वासो ये टकसाल ये निहंग सिंह ये सारे प्रचार करने वाले प्रचार कमिश्नरी वीर कौम के गहने ने। जे कोई इन्हां विच वंडियां पाउंदा ये अंग ने कौम के, समझ लो कौम दियां अंगां नूं कट्टण दा यतन कर रहा है। ये सारे गुरु गोबिंद सिंह महाराज का परिवार है, उन्हां तों सुचेत होवो जिहड़े इस परिवार विच वंडियां पाउण दा यतन कर रहे हैं। सारिआं नूं प्यार गलवकड़ी च लाओ ते इक आहद सिंघां ने उद्यम किया दस्तारां दा लंगर लाउणा फतेहगढ़ साहब आउणा तुसीं दो घंटे च नाले दस्तार सजाउण दी जात सिखाणी है नाले दस्तारां वंडणियां ते फिर सरदार बन के मत्था टेकण जाओगे ना ते मां गुजरी कहेगी मैं दो तोरे सी ते अज दो करोड़ तैयार बर तैयार होके खड़े। जदों इन्ना प्यार वरस रहा होवे तो सानू पूरा पूरा यकीन और भरोसा कर लेना चाहिए कि साडा कलगियां वाला साडे विच ही बैठा है। साडी मां गुजरी सब कुछ सुन रही है, साडे लाल साडे वल मूँह करके बैठे ने देख रहे ने। कहिंदे होणगे मां वाकया तू ठीक कहिंदी सी, असी शहीदी पाई है ते सारे गुरसिख साडे रंग विच रंगे गए ने। तो जिवें सिंह साहब जी ने एक इशारा किया कि साढ़े जिन्ने मिशनरी ने जिन्ने दूसरे ने सारे ये आपस में इको ही ने अंग ने गुरमत दे, तो मैं एक बेनती की कलगीधर पातशाह जी के चरणों है। थोड़ा कौड़ा सच पर मैं बेनती के रूप में की, मैं गाना चाहना जी मैं इजाजत दे। असी असी मैं अपनी गल करा जिमें बाणी आखती मैं पूरी लाइना नहीं आती, हमरा तड़ा हर रहा समय किसी ही तड़ा किया कुड़म सके नाल जवाई, किसी ही तड़ा किया सिकदार चौधरी नाल अपने सवाई, हमरा तड़ा हर रहा समय। ये धड़िया की बलगन चो बहर निकल के जरा सारिया च समाया वाहगुरु है, सारी मनुखता ही सा धड़ा। मैं किसी संपरदा नाल किसी टकसाल नाल किसी भी ऐसे ग्रुप नाल नहीं संबंध रखता, पर मैं सारे के चरणों से नमस्कार करता क्योंकि सारे गुरु के अंग ने अपने अपने हिसाब न सब गुरमत का प्रचार कर रहे हैं। पर उदो मैं बड़ा दुख लगता जो असी एक दूसरे नूं नीवा दिखा के फिर लड़ते भी आ, बजाए आपस में विचार करन दे सी लड़ पैना प्रचारकों नूं कुटना मारना इत्थों तक कि गोलियां चलाउण दी नौबत भी आ गई। वो सारा एक दर्द मेरे अंदर बनिया, तो मैं उस नाल उहदे लई मैं अपने कलगियां वाले दे चरणां च अरदास बेनती कीती है। तो मेरी फिर बेनती है, थोड़ा जिहा कौड़ा सच है सुन लेना, मैं किसी नू नीवा दिखाने लई नहीं कह रहा, सारे दे चरणों ते नमस्कार मैं बार बार कह रहा इस करके कि मेरी किसी नाल नफरत नहीं। और मैं कोशिश की जिंदगी विच कीर्तनियां बन दी ते कीर्तनी दी यह निशानी कि किसी नाल नफरत ना करे, साडी सेवा ही सतगुरु ने प्रेम फैलाउण दी लगाई हुई है। तो जे साडे अंदर ईरखा होएगी नफरत होएगी असी किसी नू की दे लैणा। तो एक बेनती है आप जी ने मेरे नाल जरूर कर निकल गई तर पातशाह जी दे चरणा जी। सुन कलगी वाले दाते मैं हाथ बन अर्ज गुजारी, कोई अपने वर्गा भेज दे तेरी कौम खिलर गई सारी। कोई ऐसा गुरसिख होवे जिन्हों सारी कौम प्रवान कर ले। वाहेगुरु वाहेगुरु।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਣ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦਾਤਿਆ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ ਅਰਜ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਭੇਜ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਕੌਮ ਖਿਲਰ ਗਈ ਸਾਰੀ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਭੇਜ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਕੌਮ ਖਿਲਰ ਗਈ ਸਾਰੀ। ਸੁਣ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦਾਤਿਆ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ ਅਰਜ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਭੇਜ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਕੌਮ ਖਿਲਰ ਗਈ ਸਾਰੀ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਭੇਜ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਕੌਮ ਖਿਲਰ ਗਈ ਸਾਰੀ। ਸੁਣ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦਾਤਿਆ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਨਾਤੇ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾਂਗੂ ਅੜਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਨਾਤੇ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾਂਗੂ ਅੜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਤੇਰੇ ਸੰਤ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਭੇਜ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਕੌਮ ਖਿਲਰ ਗਈ ਸਾਰੀ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਭੇਜ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਕੌਮ ਖਿਲਰ ਗਈ ਸਾਰੀ। ਸੁਣ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦਾਤਿਆ, ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤੇਰੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹੋ ਗਏ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਤੇਰੇ। ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤੇਰੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹੋ ਗਏ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਤੇਰੇ। ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿੰਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ, ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਵਿਸਾਰੀ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਭੇਜ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਕੌਮ ਖਿਲਰ ਗਈ ਸਾਰੀ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਭੇਜ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਕੌਮ ਖਿਲਰ ਗਈ ਸਾਰੀ। ਸੁਣ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦਾਤਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਕਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ ਜਪਦਿਆ ਪੈਣ ਚਮੇਲੇ। ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਕਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ ਜਪਦਿਆ ਪੈਣ ਚਮੇਲੇ। ਉਲਝ ਗਏ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਭਾਰੀ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਭੇਜ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਕੌਮ ਖਿਲਰ ਗਈ ਸਾਰੀ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਭੇਜ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਕੌਮ ਖਿਲਰ ਗਈ ਸਾਰੀ। ਸੁਣ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦਾਤਿਆ, ਉਹ ਮਨ ਮਤੀਆ ਸਾਰੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਭਾਈ ਕਨਈਏ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਲਗੀ ਧਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਗੁਰਮਤੀਆ ਉਹ ਮਨ ਮਤੀਆ ਸਾਰੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਭਾਈ ਕਨਈਏ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਲਗੀ ਧਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੋਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਸਦਾ ਜਿਸਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਧਾਰੀ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਭੇਜ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਕੌਮ ਖਿਲਰ ਗਈ ਸਾਰੀ।
जे तुसी कोई पुछो कि इसका हल भी है तो जिथे असी हल करना मैं उहदी गल कर लांगा। जिथे सारिया संपर्दावां ऐ कह लईए कि साडा सारिया नदियां का जिथे समुंदर सी जिथे मेल होना मैं उहदी गल कर लगा। अकाल तख्त वी रिहा न सांझा उसते कब्जा होया अपणिआं ने कौम डोबती पुट के डूंगा टोया। अकाल तख्त वी रिहा न सांझा उसते कब्जा होया अपणिआं ने कौम डोबती पुट के डूंगा टोया। अद्धी कौम है पागी हो गई जथेदार सरदारी कोई अपने बल्ला तेरी कौम खिलर गई सारी कोई अपने भरखा भेज दे तेरी कौम खिलर गई सारी। सुन कलगी वाले तातया मैं हाथ बनया जारी कोई अपने भरखा भेज दे तेरी कौम खिलर गई सारी कोई अपने भरखा भेज दे तेरी कौम खिलर गई सारी कोई अपने भरखा भेज दे तेरी कौम खिलर गई सारी। सुन कल की वाहिगुरु जी वाह। तुसी जिस प्यार सब मैं चरना एक अरदास के सिर एक सुन लेने मैं रिहा पहलां दे तुल ना मैं हुण गुलाब दा फुल ना मेरे खून दे लख दरियावां दा अज पानी जिन्ना मुल ना अज एक नहीं कई नादर शाह मेरी हिक ते खौरू पा रहे पर मेरे लखां ने रणजीत अज ढोल उपर ढोले गा रहे। मैनू किसे नादर ते रंज नहीं ना रोस अज अबदालियां तो झोरा है कि फूला सिंह कोई अज लभदा नहीं अकालियां च मेरी हिक ते खौरू ना पावो मेरी छाती विच डाढ़ी पीड़ है मैनू लगदा मेरी हिक ते अज डोगरियां दी पीड़ है। बड़े चिरां तो इस भीड़ चो मैं कोई नलुआ टोलदा किथे गुम गए मेरे हीरियो मैं पंजाब बोलदा। साध संगत यह शिकवा इसलिए किया कि सिख कौम की नुमाइंदा जथेबंदी श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी सिख कौम की राजसी धिर श्रोमणी अकाली दल अकाल तखत की छत्र छाया विच सजदी एक चौकीदार बन के सिर्फ होका देने का यतन है कि आई कमजोरियां प्रचारकों विच भी आ जांदियां मेरे भी जीवन विच भी तुसीं दसो तो मैं अपनियां कमजोरियां दूर करा। इदां पंथ दसे ते कौम की धिर मजबूत होवे यह भी जरूरी है कि पंथ की अपनी राजसी धिर होवे नहीं तो दिल्ली दरबार खा जाएगा सानू। साड़ी ताकत का एक मुठ होना ठीक है साड़ा विशा नहीं सी पर ये सीखा जड़िया ने यही सिखांदियां कि साड़ी सोच गुलाम ना होवे साड़े शरीर भावें गुलाम हो जाए। कोतवाली साहब दियां सीखा यह सिखांदियां साड़ी सोच गुलाम ना होवे साड़े शरीर भावें गुलाम हो जाए। कौम दे वारसो पंथ दे वारसो असी सिर्फ चौकीदार हाँ कोई स्वार्थ नहीं है पर तुहाडे चरणां च बेनती करदे हां कौम नाल ध्रो ना कमायो जिहड़े अगे लगे ने तुहाडे ते विश्वास करदे हां जे ध्रो कमा लिया ते कलगियां वाले पातशाह शायद कदी नहीं बख्शणगे। अज का जो समा बीतिया हुण तक यह प्यार तो बराग तो शुरू होया और इत्थे आके जागृति ते आके समाप्त होया वह भी जरूरी है और यह भी जरूरी है।
बस मैं एक बेनती पंथ जी बेनती है भाई बस मैं सतगुरु के चरणों भी बेनती करना और आप सिख संगत दे भी कि मैं पहले बेनती की कि असी दोनों बाकी भी साढ़े साथी जिन्हें सानू कोई स्वार्थ नहीं किसी नाल असी सिर्फ जिहड़ी तस्वीर विगड़ गई है उन्हों असी सुधारने की कोशिश करते हैं तो ये सानू तुहाडा साथ चाहिए तुहाडियां असीसां चाहीदियां गुरु कृपा करे सिंह साहब जी का मैं बहुत बहुत धन्यवादी हाँ अज बड़े प्यार जज्बात उन्होंने अपना दुख खोलिया और तुहाडे नाल सांझा किया तो तुहानू भी बेनती है कि इन्हां वास्ते भी असीं अरदास करनी सतगुरु चढ़दी कला बख्शे जी कल दस रहे फिर आप संगत दर्शन करेंगे अगला प्रोग्राम आप जी सरवण करो सारों का बहुत बहुत धन्यवाद जी जो दूर दुराडे बैठे गुरसिख सारों मेरी फतेह प्रवान होवे जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की कल वाला समागम